Hello students, so in the previous class we have started lesson 1 of computer of class 4th and studied about the initial machines, history of computers, and today let's study of generation of computers. Many generation of computers came into existence with passage of time. Early computers were big in size but slow in speed. Modern computers are very small in size and fast in speed. These are called personal computer or PCs. तो समय गुजरने के साथ साथ कंप्यूटर्स की कई सारी पीढ़ियां आती गई हैं. शुरुआत के जो कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, जबकि आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत छोटे हैं और उनकी स्पीड बहुत ही तेज होती है. और इन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर या फिर PCs. तो हम लोग पढ़ते हैं पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो 1940 से 56 तक चले थे. कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स. दीज वर ह्यूज इन साइज सो दे ऑक्यूपाइड एन एंटायर रूम. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. दे यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर हीट ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स एंड कंज्यूम टू मच इलेक्ट्रिसिटी. प्रोग्रामिंग वॉज लिमिटेड एंड दैट टू विद एक्सट्रीमली लो स्पीड. ENIAC एंड UNIVAC आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज ऑफ दिस जनरेशन. तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे. उनका साइज बहुत ही बड़ा होता था और इतना बड़ा कि वो एक पूरा कमरा कवर कर लेते थे. वो बहुत महंगे भी होते थे और साथ ही साथ जब उनमें काम किया जाता था तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा उनमें खर्च होती थी. उनमें प्रोग्रामिंग भी बहुत लिमिटेड होती थी और उनकी स्पीड भी बहुत स्लो होती थी. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स आपके ENIAC और UNIVAC. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो 1956 से 63 तक चले थे. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इम्प्रूव्ड इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. द वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विद ट्रांजिस्टर्स. द कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर बिकेम चीपर. IBM 1620, 1401, 1790, CDC 1604 एटसेट्रा वर सम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो पहली पीढ़ी के मुकाबले में उनमें कुछ सुधार हुआ और उनमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा. और इन कंप्यूटर का प्राइस भी कॉस्ट भी पहले पीढ़ी के कंप्यूटर्स के मुकाबले सस्ता पड़ता था. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 1620, 1401 एटसेट्रा. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो 1963 से 71 तक चले. इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. दे वॉज नो हीट जनरेटेड बाय देम. ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड विद सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. दे एक्सट्रीमली इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स. IBM 370, NAV 7500 एटसेट्रा आर सम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा और इसकी वजह से इनमें कोई भी हीट जनरेट नहीं होती थी. और ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन चिप से रिप्लेस कर दिया गया था जिनसे सेमीकंडक्टर कहा जाता था. और इसकी वजह से इन कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी और स्पीड में भी काफ़ी सुधार आ गया. IBM 370 और NAV 7500 ये एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1972 से 2010 तक चले. There was a unique change in this generation. A compact circuitry for whole computer called microprocessor came into existence. Fourth generation computer also saw the development of GUIs, mouse and other handheld devices. Mini computers, PCs, laptops, etc. are fourth generation computers. Fourth generation, चौथी पीढ़ी के computers में काफी सुधार हुआ और इनकी circuitry पूरे कंप्यूटर की सर्किटरी में चेंज हुआ और एक माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया. साथ ही साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में GUI, माउस और दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल होने लगा. मिनी कंप्यूटर्स, PCs और लैपटॉप्स ये एग्जांपल है कुछ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 2010 टू प्रेजेंट. Artificial intelligence is most innovative feature in fifth generation computers. These computers are still in developmental stage, but few improvements have been implemented, such as voice recognition. These computers are expected to go on making more and more progress in the field of artificial intelligence.
तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये कंप्यूटर्स अभी भी अपने विकास की प्रक्रिया में है, लेकिन इनमें कुछ सुधार होते जा रहे हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स हमारी आवाज़ भी पहचान लेते हैं। और इन कंप्यूटर्स में अभी आगे चलकर के बहुत सुधार होने के चांसेस हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखी जा रही है। अब आते मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर वी शुड हैव एम्पल नॉलेज अबाउट इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। जब हम लोग किसी भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें उनके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला हार्डवेयर। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। वी कैन सी हार्डवेयर विथ आवर आईज एंड टच विथ आवर हैंड्स। ऑल इनपुट डिवाइसेज लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑल आउटपुट डिवाइसेज सच एज प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और ऑल हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। दीज आर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। डीवीडी ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क आर इट्स इंटरनल पार्ट। तो कंप्यूटर के कोई भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं, जिनको हम आंखों से देख भी सकते हैं और अपने हाथों से छू भी सकते हैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेज है जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर्स या सीपीयू या जो भी आउटपुट डिवाइसेज है जैसे प्रिंटर्स, मॉनिटर्स या कोई दूसरा, तो ये सब के सब आपके कंप्यूटर्स के हार्डवेयर होते हैं और इनको हम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। डीवीडी ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं और इनको हम इंटरनल पार्ट्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और प्रोग्राम्स गिवन टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर एक्टिव। तो जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन, कमांड या प्रोग्राम दिए जाते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर की वजह से ही हमारा हार्डवेयर यानी कंप्यूटर एक्टिव होता है। और सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई किया जा सकता है तीन पार्ट में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर दोज प्रोग्राम्स विच आर रिटन और डेवलप टू डू स्पेशल वर्क फॉर यूजर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको यूजर्स के किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि MS पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, या अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया जिससे हम किसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो ऐसे कोई भी प्रोग्राम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आप लोग गेम भी कोई खेलते हैं तो गेम जो होता है वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही होता है, तो वो गेम भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। दीज प्रोग्राम्स रन द कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क्स इन द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं वो इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के कंट्रोल में होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा पार्ट है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है आपका जैसे कि विंडोज़ हो गया, जो आप लोग कंप्यूटर खोलते हैं, जो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आती है वो आपकी विंडोज़ हुआ करती है। थर्ड है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर पैकेजेस हेल्प्स अस इन डूइंग रेगुलर वर्क्स मोर कन्वीनियंटली इन अ बेटर वे। दे ऑल्सो हेल्प अस इन रेक्टिफाइंग द एरर्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कंप्यूटर में किसी भी काम को करने में सहायता करते हैं और उस काम को करना हमें और आरामदायक हो जाता है इन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से। साथ ही साथ अगर कोई गलती वगैरह होती है, कोई प्रॉब्लम होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के जरिए हम उन्हें सुधार सकते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस होता है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। अब कुछ और टर्म्स होते हैं जो कंप्यूटर में, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्किनवेयर। सीपीयू, कैबिनेट एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस एटसेट्रा विच वी कैन सी विथ आवर आईज एंड टच विथ आवर हैंड्स आर कॉल्ड स्किनवेयर। दिस इज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो सीपीयू की कैबिनेट हो गई या कीबोर्ड का एक्सटर्नल सरफेस, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस एटसेट्रा
ये सब जो भी हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं वो सब स्किन वेयर कहलाते हैं और ये कंप्यूटर का बाहरी पार्ट होता है। तो स्किन वेयर को आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमारी बॉडी की स्किन होती है, तो कंप्यूटर का जो बाहरी पार्ट होता है जिसके अंदर अंदरूनी पार्ट सुरक्षित होते हैं उनको हम स्किन वेयर कह सकते हैं। फर्मवेयर, फर्मवेयर इज अ कम्बाइंड फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सम प्रोग्राम्स आर रेडी रिकॉर्डेड, फॉर एग्जाम्पल अ डीवीडी ऑफ अ गेम इज अ फर्मवेयर। तो फर्मवेयर जो आपके होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है और कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स में कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि किसी गेम की जो डीवीडी होती है वो एक फर्मवेयर होती है। ह्यूमन वेयर, ऑल दी पर्सन हु वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड ह्यूमन वेयर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लाइव वेयर। एनी कंप्यूटर हैविंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीदर कैन रन इट्सेल्फ नर कैन डू एनी वर्क। ह्यूमन्स आर ऑलवेज नीडेड टू रन इंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देम। दीज पीपल मे बी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स और सिस्टम एनालिस्ट्स एटसेट्रा। हु एवर इज रिलेटेड टू कंप्यूटर आर कॉल्ड ह्यूमन वेयर। तो जो भी व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है उसको हम लोग ह्यूमन वेयर या लाइव वेयर कहते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर चाहे उसका हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो अपने आप नहीं चल सकता है, ना ही अपने आप कोई काम कर सकता है। उनको चलाने और काम लेने के लिए उनसे किसी न किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनसे काम ले सके, उनको इंस्ट्रक्शन दे सके और उनका ख्याल रख सके। तो ऐसे लोगों को हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, हार्डवेयर इंजीनियर से प्रोग्रामर्स या सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं वो चाहे जो, और इन्हीं लोगों को हम लोग ह्यूमन वेयर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के लेसन का एक्सप्लेनेशन, लेसन वन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।